मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना और निवाड़ी में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में बूंदाबांदी के आसार हैं। भोपाल में सुबह धूप खिल गई, इसके बाद मौजूदा सिस्टम कमजोर हो जाएगा और बारिश का दौर थम जाएगा। प्रदेश में शुक्रवार को भी बारिश का दौर जारी रहा, 23 जिलों में पानी गिरा। भोपाल में दोपहर के बाद मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। खजुराहो, टीकमगढ़ में 1 इंच पानी गिर गया, वहीं नर्मदापुरम में 1.25 इंच बारिश हो गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अनूपपुर, टिंडोरी और बालाघाट में धूप निकलेगी, वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। लास्ट 24 घंटों में ईस्ट एमपी और वेस्ट एमपी में अधिकांश स्थानों पर वर्षा हो चुकी है। वेस्ट एमपी में 10 जिलों में हेवी रेन हुआ है और 3 जिलों में अधिक वर्षा, बहुत वेरी हेवी रेन हुआ है, अगर अलीराजपुर और धार जिलों में। और अभी आज के दिन ईस्ट एमपी में कहीं कहीं कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और वेस्ट एमपी में इंदौर और ग्वालियर सब डिविजन में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और बाकी जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। बारिश की वजह से प्रदेश के किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है। किसानों पर फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक बारिश का दौर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।